भाई साहब जितना सलमान भाईजान का जितना बड़ा नेम, जितने बड़े सुपरस्टार है सलमान भाईजान, किसी का भाई किसी जाने, आज 13वें दिन को लेके काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके डे 1 से लेके डे 13 तक इंडिया वर्ल्ड ओवरसीज मार्केट में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके सलमान भाईजान के नाम की इज्जत रख ली है। जिक्र बात करें किसी का भाई किसी जाने, पहले दिन 15 करोड़ का ओपनिंग लिया, बहुत ही कम ओपनिंग था, जबकि सलमान भाईजान इतना बड़ा ब्रांड है, सलमान भाईजान के आगे 15 करोड़ का ओपनिंग एकदम टट्टी बराबर है। लेकिन गाइस दूसरे और तीसरे दिन मैसिव जंप मिला था, जिसकी वजह से सलमान भाईजान की सोसाइटी में बॉलीवुड में इज्जत बन गई और किसी का भाई किसी की जान की भी इज्जत बन चुकी है। फैंस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पसंद कर, हाल ही लेटेस्ट पिक्स रिलीज हुई है Tiger 3 सलमान भाईजान की, आप देख सकते हो गाइज व्हाट अ मास, क्या बंदा नज़र आ रहा है। मान लो अभी टाइगर जिंदा, अभी टाइगर में जान है कि टाइगर 3 को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर पाए, अच्छे एक्शन सीन दे पाएंगे सलमान भाई। वैसे कि आपको ये पिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना, इस वीडियो को भैया दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप सलमान भाईजान को दिल से प्यार करते हो। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही शाहरुख भाई ने एयरपोर्ट के ऊपर अपने फैंस को धक्का दिया है, जो सोशल मीडिया पर बहुत गंदी तरह ट्रोल हो रहा है, जबकि सलमान भाईजान का यहाँ पे एक ही साथ क्लिप आप देख सकते हो, सलमान भाईजान कितने प्यार से अपने फैंस को देख रहे हैं, फैंस को मिल रहे हैं। हालांकि आपको पता है सलमान भाईजान की सोशल लाइफ में कितनी मुश्किलात पैदा हुई, उनको डेथ जो उसकी ईमेल आ रही, डेथ लेटर आ रहे हैं, लेकिन उसके छोड़ भाई दैट इज क्लोर नाउ। बात कर लेते हैं किसी का भाई किसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, लिस्ट आपके सामने डे 1 से लेके डे 10 तक एक साइड और डे 12 तक इस मूवी ने इंडिया से 1 करोड़ का कलेक्शन करके वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 12 दिनों के अंदर इंडिया से कुल मिलाकर इंडिया से 104.46 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली थी। 12 दिनों के अंदर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड से 167 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और गाइस इस मूवी ने 12 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में 44 करोड़ का कलेक्शन किया, मात्र $5 मिलियन कलेक्शन किया है। अगर बात करें 13वें दिन का, जो किसी का भाई किसी जान इंडिया से 1.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके 13 दिनों के अंदर इंडिया से 105.41 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्ड वाइड ये मूवी 13 दिनों के अंदर 170 करोड़ का नंबर क्रॉस कर चुकी है। गई जगह लाइफ टाइम में किसी का भाई किसी जान इंडिया से 140 करोड़ का कलेक्शन करती है, फिर ये मूवी केवल एवरेज मूवी हो पाएगी और मुझे नहीं लगता ये मूवी लाइफ टाइम इंडिया से 120 से ऊपर कलेक्शन कर पाए। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। गाइस कोई दिक्कत वाली भाई टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, चाहे किसी का भाई किसी ज्ञान अच्छा कलेक्शन नहीं किया। बेसिकली एक नॉर्मल मूवी है, साउथ इंडस्ट्री की बहुत पुरानी मूवी का रीमेक है, गानों के ऊपर एल्बम है, आपको इस मूवी में 6 से 7 गाने देखने को मिलेंगे। बट सलमान भाई जान अभी भी बॉक्स ऑफिस के नंबर 1 सुपरस्टार, जिसके पास 16 ऐसी फिल्म है जिन्होंने केवल इंडिया से 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया हुआ है, जो मात्र से कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं जिसकी 10 से ऊपर मूवीज हो 100 करोड़ वाली। लेकिन अक्षय कुमार की केवल 6, शाहरुख खान की 6, अजय देवगन की 5, आमिर खान की 4, लेकिन सलमान भाई मात्र पहला बॉलीवुड का सुपरस्टार है जिसकी 16 ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने इंडिया से 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन किया है। सलमान भाई जी के साथ कोई कलेक्शन नहीं गया, चाहे पठान आगे निकली टाइगर 3 से आगे जाएगी। भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।